आज की मैं आपको इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ, अगर भैया आपको कोई अकाउंट खुलवाना हो बैंक में, जो कि भैया बहुत जल्दी खुल जाए, उसको आप यूज़ भी करने लग जाएं 10 मिनट के अंदर, भाई आधे घंटे के अंदर, तो कैसा रहेगा? ठीक है। और मैं आपको इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ, जब मैंने अकाउंट खुलवाया एक बैंक के अंदर, जहाँ भैया हमको मतलब कि 10 मिनट लगे और हमारा अकाउंट चालू हो गया, भैया सीधी बात है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, जैसे कि आपके पास में SBI बैंक है, चाहे भैया पंजाब नेशनल बैंक है, या फिर भाई तुम्हारे पास HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ठीक है, या फिर आपका यूको बैंक है, या फिर काफ़ी सारी भैया बैंक आपके सामने आती हैं। लेकिन भैया वहाँ पे आपके सामने मांगते हैं भैया पैन कार्ड, भाई पैन कार्ड दे तभी खोलेंगे, नहीं खोलेंगे हैं ऐसे कहते हैं। और भैया आधार कार्ड मांगते हैं, मुझे मांगना ज़रूरी है, सही है भाई। लेकिन बाई चांस अगर भैया आपके पास पैन कार्ड भी ना हो, फिर तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे? क्या अब मैं आपको बताता हूँ इस वाले वीडियो में कि मेरा जो अकाउंट था बैंक में, मैंने खोला लेकिन बिना भैया पैन कार्ड के खोल दिया, मतलब खोलवा दिया, मतलब खोल दिया हमारा अकाउंट, सीधी बात है। अब जैसे कि अगर यहाँ पे आपसे बात ये भी किया, जैसे कि आप कभी, जैसे कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर वजीफ़ा या फिर स्कॉलरशिप आना मतलब कि ज़रूरी होता है, जो कि आपके लिए है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बात आपसे ये भी की जाए, जैसे कि आप कॉलेज या स्कूल में हैं, या फिर जैसे कि आप मतलब डेली यूज़ के लिए भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, जो कि आपका खुल जाता है 2 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, मतलब आधे घंटे में भैया तुम्हारा अकाउंट चालू हो जाएगा। क्या मतलब तुम्हारा भैया अकाउंट आधे घंटे में चालू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात यहाँ पे की जाए, आपके सामने जो मतलब कि बैंक वगैरह होती हैं भैया, आपके सामने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ID प्रूफ वगैरह, एड्रेस प्रूफ सब कुछ मांगती हैं, तब आपका अकाउंट खोलती हैं। लेकिन उसके अंदर आपको 15 दिन का जो समय लगता है भैया खोलने में या फिर खुलवाने में, है ना। लेकिन अगर बात की जाए जैसे कि जो बड़ी बड़ी बैंक आती हैं, जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, ठीक है, इन जो बैंक मतलब कि इनका मतलब अलग रहता है, लेकिन इनका थोड़ा मतलब कि चार्ज लगता है, पैसे थोड़े लगते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपका अकाउंट है तुरंत ही चालू कर दिया जाता है, तुरंत ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे बात ये की जाए, बिना चार्ज वाला, बिना पैसे भैया ना ले आपसे कोई भी हैं, फ्री में खोल दे क्या, और आपका जो डॉक्यूमेंट जो है मतलब बहुत कम लगें, या फिर जैसे कि आप जानते हैं, जो आप स्टूडेंट अगर हैं, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो भैया आपके पास अगर पैन कार्ड हो या फिर ना हो, भाई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी क्या। अगर मतलब होगा तो और अच्छी बात है, अब भैया ना हो तो तुम कहाँ जाओगे। अब जैसे कि आपके सामने जो बैंक आती है, जो मैं बताने मतलब कि भैया अब जो हम बताने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो सही है। अब जैसे कि अगर बात करते हैं, आपके सामने जो एक बैंक आती, रुक जाइए, देखिए, जो कि एक पेमेंट बैंक है, रुकिए, मतलब भाई आप जो, और जैसे कि जो कि आपको अब पंजाब नेशनल, ICICI, SBI बैंक में आप जो करते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं, आप यहाँ पे भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। आपका वजीफा वगैरह, कुछ योजनाएं वगैरह सरकार की इसमें भी आ जाती हैं, पैसे वगैरह सरकारी तरफ से भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात तुमको बता रहे हैं। अब जैसे कि अगर बात की जाए, आपके सामने जो आपका जो नाम आता है बैंक का, जो कि आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब जैसे कि बात की जाए, ये पोस्ट ऑफिस की एक सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि जो पोस्ट ऑफिस है, इसकी मतलब एक मतलब कि जो पेमेंट बैंक बनाई गई, तो इसको मतलब कि आप लोगों के लिए चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर बात की जाए, जो कि आपका अकाउंट होता है कैसे खुलेगा, जैसे कि हमने जब खुलवाया था मतलब इमरजेंसी में, तो ऐसा हुआ था हमारे साथ में, आपको बताते हैं, वीडियो पूरा देख के जाएँ और आपको सही लगेगा। अब जैसे कि अगर बात यहाँ पे की जाए, जैसे कि भैया हमारा भी है थोड़ा मतलब कि स्कॉलरशिप आने वाला था, कुछ पैसे भैया लेन देन करना था भैया हम लोगों को भी, ठीक है। लेकिन जब भैया हम गए थे अपने बैंक के अंदर, पंजाब वगैरह में गए थे, ठीक है, पंजाब SBI में सब में गए थे, लेकिन भाई वहाँ मांगा भैया, मतलब वहाँ बोल रहे हैं कि भाई माइनर के लिए अकाउंट नहीं खोलेंगे, मतलब बहुत पहले की बात है, लेकिन आप माइनर है या फिर नहीं माइनर, अडल्ट है तो भी आप यहाँ पे खोल सकते हैं, उससे बात नहीं है। अब जैसे कि अगर बात यहाँ पे ये की जाए, आपके सामने जैसे कि आप बड़ी बैंक में, मतलब थोड़ा आपको टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको बस इतना करना है, आपके जो आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है, जो कि आपका डाकघर बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस आपको होता है, ठीक है, आपको वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पे जो वर्कर्स बैठे होते हैं उनसे बात करनी है, जो वहाँ का मैनेजर होगा, जो भी होगा वहाँ का, वहाँ आपको बात करनी है। आपका अकाउंट जो है कम से कम मतलब कि आपका अकाउंट 10 मिनट के अंदर खोल दिया जाएगा, आपको सिर्फ कुछ नहीं लगेगा, आपका मतलब कुछ लग मतलब कि आपका भैया कुछ लगेगा नहीं, सीधी बात है भाई, आपको मतलब कि एक आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, एक मोबाइल नंबर मतलब कि जो आपके फ़ोन में वो लगेगा, सीधी बात है, और अपना अंगूठा लगा देना, काम खत्म एक बार में, है ना। कम से कम ये 10 मिनट के अंदर आपका अकाउंट खुल जाता है। अब देखिए ये चार्ज, अब देखिए चार्ज मतलब वहाँ पर नहीं लगता है।
अब देखिए जैसे कि अगर बात की जाए, जैसे मतलब आप कौन सी लोकेशन पर रहते हैं, आपको चार्ज देना पड़े या फिर ना देना पड़े। जैसे अगर बात की जाए मेरी, जब मैं मतलब कि यहाँ पे जब गया था मैं पोस्ट पेमेंट बैंक पे, जब मैं गया था खाता खुलवाने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए, तब मुझसे 100 रुपये लिए थे। अब भाई 100 रुपये लिए, मतलब उन्होंने मतलब 100 रुपये लिए, लेकिन वो 100 रुपये भी उन्हें नहीं लिए। जैसे कि जो मतलब पैसे हमसे लिए वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डाल दिए, उसी में जो नया खुला था उसी में डाल दिए। तो मतलब ये एकदम फ्री हो गया ना। तो आप इस तरीके से बता रही बात है कि अगर आपको इमरजेंसी में ये खाता खुलवाना है, अकाउंट खुलवाना है, तो भैया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो भी बैंक में जाएं। अब जैसे कि अगर बात किए की जाए, ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया इस वाली वीडियो में, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं और जाए खुलवा सकते हैं अकाउंट, ठीक है। अब जैसे कि बात की जाए, आपको अकाउंट खुलवाने के साथ साथ काफ़ी सारी सुविधाएँ भी मिलती हैं जो आपको मैं इस वाली वीडियो में बताता हूँ। अब जैसे कि आपको, जैसे कि आप वहाँ पे अकाउंट खुलवाएंगे तो आपको इस तरीके से मतलब एक कार्ड दिया जाता है। यहाँ पे आपको मोबाइल, जैसे कि आपका जो अकाउंट नंबर, मतलब अकाउंट नंबर ऊपर लिखा होता है, पैसे कोड वगैरह सब कुछ लिखा होता है नीचे, इस तरीके का जो मिलता है। लेकिन आप इस चीज़ को, आप जैसे कि इस अकाउंट को, मतलब इस अकाउंट को आप किस, जैसे कि एक जो इसका एप्लीकेशन आता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, जो कि प्ले स्टोर में आप डाउनलोड करेंगे तो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस ऐप से, और जो आप अकाउंट खुलवाते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से, तो आप यहाँ पे मतलब लॉगिन करके यहाँ से आप ऑनलाइन उसका अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप फ़ोनपे, गूगल पे, आप कोई बिल पेमेंट करते हैं या फिर किसी का भी कोई सा बिल हो भैया, तो सीधी बात है, तो भैया आप यहाँ से इसको यूज़ करते हुए बस कर सकते हैं सब काम एक बार में ही, है ना। तो इस तरीके से बातें, बैंक में जैसे पैसा भेजना हो किसी में तो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आपको सुविधाएं देती है जो काफ़ी अच्छी हैं, बढ़िया हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आती हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ पे, अगर बात यहाँ पे आपसे ये की जाए इमरजेंसी में, भाई जो ये अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है, क्योंकि हम भी इसको 1 साल से चला रहे हैं, 1.5 साल से मतलब चला रहे हैं शायद से, है ना, तो मतलब कि हमारा भी बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। कोई इसमें मतलब कि चार्ज होता है ना, चार्ज इसमें मतलब कि जैसे आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि आप फ़ोनपे, गूगल पे, मतलब अगर आप मतलब यहाँ से मतलब कि आपका जो पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन होता है यहाँ से ही मतलब कि पूरा चार्ज वगैरह पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं स्कैन करके, सीधी बात है ना। अब जैसे कि अगर बात की जाए इसमें, आप चाहें भैया आप किसी भी ऐप में कर दो, गूगल पे, फ़ोनपे में, सब में सपोर्ट करता है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ से अब अगर आपको जानना है और अच्छी तरीके से भैया कि कैसे मतलब कि काम करता है, क्या करता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक दे देंगे, जा सकते हैं, देख के आ सकते हैं, बहुत सही वीडियो बना है, है ना। अब जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर आप जानते हैं कि भाई जो आपका पोस्ट पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक में जैसे कि ऐसा होता है कि आपको कम से कम 2 लाख रुपये मतलब यहाँ पे आप रख सकते हैं, मतलब रख सकते हैं मतलब कि एकदम आपका चार्ज नहीं कटेगा, लेकिन आप 2 लाख से पैसे ऊपर रखते हैं तो यहाँ पे आपका चार्ज कुछ लगता है, पोस्ट पेमेंट बैंक आपसे कुछ चार्ज लेता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मतलब कि, है ना। तो इस तरीके से बातें हैं। तो मैं इस आपको बता रहा हूँ इस बार वीडियो में, अगर आपको इमरजेंसी में अकाउंट खुलवाना है, इमरजेंसी में अकाउंट खुलवाना है, तो भैया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाएं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आसपास देखें भैया कौन सा आपका डाकघर है, जो पोस्ट ऑफिस कौन सा है, वहाँ पर जाएं, आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा तुरंत, जैसे कि तुरंत के तुरंत, और आपका आधे घंटे में चालू हो जाएगा और आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इस वाली वीडियो में बता दिया और आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस जैसे कि यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, रुको भाई, तुमको अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, सीधी बात है भाई, अपने अकाउंट पैसे किसी से मंगाना है, लेना देना कुछ भी है, सब कुछ यहाँ से कर सकते हो, ठीक है भाई। तो इस वाली वीडियो में बता रहे हैं और वीडियो बहुत तुमको अच्छा लगा होगा, और भाई जो कि कहते हैं आपका इमरजेंसी अकाउंट खुलवाएं तो भैया समझ सकते हैं क्या बताना चाह रहे हैं, खुलवा सकते हैं जाके, हैं। तो मैंने आपको इस वाले वीडियो में बता दिया है और आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं वीडियो के साथ में क्या बातें मैंने बताई आपको, क्योंकि आपको जो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए और इस वाले वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, काफ़ी लोग जान पाएं भाई कि जैसे कि जो इमरजेंसी में अकाउंट खुलवाना हो तो भैया आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाएं, काफ़ी अच्छा रहता है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको शेयर किया, क्योंकि आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए देखते रहिए।